गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमें ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है और ये सीरीज रहेगी हमारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। आज हम स्पेसिफिकली जिस रिएजेंट की स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम विद जिरकोनिल रिएजेंट। जिरकोनिल रिएजेंट हम ऑर्गन मेटेलिक रिएजेंट यूज में ले रहे जो कि आपके पास डाई साइक्लोपेंटर डाई इनाइल जिरकोनिल क्लोराइड, ओके। और इसे भी हम शॉर्ट ट्रिप के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर रिएजेंट भी अदर रिएजेंट की तरह ही वर्क करता है। लाइक हमने बोरेन के बारे में पढ़ा, हमने TBPH के यानी कि ट्राइब्यूटिलटिन हाइड्राइड के बारे में पढ़ा, LAH के बारे में पढ़ा, सिलिल हाइड्राइड के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे कैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, सिन एडिशन देते हैं। तो ये रिएजेंट भी उन्हीं की तरह, ओके। दिस वन इज ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम विथ साइक्लोपेंटा डाई इनाइल जिरकोनिल क्लोराइड। ये क्या देगा, यहाँ पे जो मेन आपका कंसेप्ट है वो आपको याद रखना। ये भी आपको क्या देता है, सिन एडिशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड देता है। इसे आपको हाईलाइट कर लेना है, इसे लिख लेना है, ओके। अब किस टाइप से इसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल हमको दे रखा है जो कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को नेम दीजिए। ये आपके पास वन नंबर, ये सेकंड नंबर। जो बल्कार ग्रुप का कंसेप्ट हम प्रीवियस रिएजेंट के लिए यूज में करते थे वही आपको यहाँ पे भी यूज में लेना है। कैसे, वन नंबर के ऊपर अगर बल्कार ग्रुप अटैच्ड है तो आपके पास टू नंबर के ऊपर रिमेनिंग एल्यूमिनियम का पार्ट रखना है, ओके। तो पहले वन एंड टू जो पहले ट्रिपल बॉन्ड थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के अंदर। अब देखिए सिन एडिशन के लिए आपके पास क्या यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा मिथाइल। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ क्या अटैच्ड है, मिथाइल अटैच्ड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं पहले एल्यूमिनियम को ओपन कंडीशन में लिख लेता हूँ। दिस वन इज एल्यूमिनियम, दिस वन इज थ्री मिथाइल्स एमी एंड दिस वन इज एमी। तो एक एमी जो है वो वन नंबर के कार्बन से अटैच होगा और सेकेंड जो एल्यूमिनियम पार्ट है वो टू नंबर के कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पे भी मुझे पता है कि जो मैं पहले से आपको समझाते हुआ आ रहा हूँ, मेटल कार्बन बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। तो इसके ऊपर रहता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये रहता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स जो एल्यूमिनियम है वो पॉजिटिवली चार्ज अटैक यानी बिहेव करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और कार्बन पोर्शन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो मिथाइल ग्रुप जो है आपका वो अटैच होगा वन नंबर के ऊपर, ये जाएगा आपका वन नंबर पे। तो इससे क्या होगा, टू नंबर यानी वन एंड टू का बॉन्ड ओपन होगा और ये अटैक करेगा आपका एल्यूमिनियम के ऊपर, ओके। तो इस टाइप से आपको सिन एडिशन देखने को मिलेगा। और मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन पोर्शन एमी एंड सेकेंड दिस वन इज AlMe ट्वाइस। आपका डबल बॉन्ड के सेम साइड एग्जिस्ट करेंगे, ये वन नंबर कार्बन, ये सेकेंड नंबर कार्बन, डबल बॉन्ड के सेम साइड। अब हमारे पास क्या करना है, हमें टू नंबर कार्बन और एल्यूमिनियम जो बॉन्ड है उसे हमें क्लीव करके कार्बन हाइड्रोजन या इस टू नंबर कार्बन से आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कैच कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो कार्बन बियर करता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर आप कोई जस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, टू नंबर कार्बन कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो टू नंबर के साथ इलेक्ट्रोफाइल आकर कैच हो जाता है। तो अभी हम क्या यूज में ले रहे हैं, ड्यूटीरेटेड एसिडिक कंडीशन हम यूज में ले रहे हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ड्यूटेरियम प्लस डी प्लस मिलेगा। तो जनरली टू नंबर का जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो यहां से कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड शिफ्ट होगा ड्यूटेरियम के ऊपर और ड्यूटेरियम को ये कैचअप करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल एंड ड्यूटेरियम सेम साइड आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका रहेगा सिन एडिशन प्रोडक्ट। तो ओवरऑल हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने सिन एडिशन करवाया मिथाइल और एल्यूमिनियम का, सेकंड स्टेप में हमने टू नंबर कार्बन से या जिस कार्बन से एल्यूमिनियम अटैच था उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कैचअप करवाया। यही आपका शॉर्ट ट्रिक निकलता है, ओके। देख लेते हैं इसको, देखिए यह आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। जो भी स्टार्टिंग मटेरियल देखा है उसे आप एनालाइज कीजिए और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर दीजिए। ये आपका वन नंबर हुआ, ये आपका सेकंड नंबर। पहले स्टेप में आपको क्या देखा, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम विद जिरकोनिल रिएजेंट। आपके पास क्या होगा, वन एंड टू का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में सिन एडिशन के थ्रू। तो ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में और मिथाइल एंड
AlMe2SinAddition में. अब जो टू नंबर है आपका, ये वन नंबर था, दिस टू नंबर कार्बन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब ये टू नंबर के साथ आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर सकते हो. इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने आयोडीन लिया तो टू नंबर पोर्शन के ऊपर क्या आएगा, टू नंबर कार्बन के ऊपर आपके पास आयोडीन देखने को मिलेगा. तो ये आपका आयोडीन देखने को मिला, आयोडीन एंड ये सी एच थ्री कैसे रहे सिन एडिशन. तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, जो कि शॉर्ट ट्रिक से था. हमारे पास लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, हमने इसे किया है शॉर्ट ट्रिक. ओके, इसी टाइप से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, जस्ट वन मिनट. ओके, देखिए हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है. स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर हमें ट्रिपल बॉन्ड देखना है. एरो के ऊपर जो कंडीशन वो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. मैं जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जो कंडीशन थी वो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ. कंडीशन हमारे पास थ्री AlMe3 एंड जिरकोनिल CP2 ZrCl. ओके, यही थी. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ये था आपका वन नंबर, ये आपका था टू नंबर. अब वन नंबर इज मोर बल्क एज कंपेयर टू सेकंड नंबर, ठीक है. तो वन नंबर के साथ मिथाइल आके अटैच होगा, तो देख लीजिए दिस वन इज मिथाइल, सेकंड वन इज AlMe2. अब सेकंड नंबर का जो कार्बन है दिस वन एंड सेकंड, वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, क्योंकि ये मेटल कार्बन बॉन्ड है. यहाँ पे आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर सकते हो. इलेक्ट्रोफाइल हम ले रहे हैं H3O+, यानी कि आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा H+. तो ये आपका क्या होगा, दिस बॉन्ड गोज टू हेयर और H+ को कैच करेगा. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपके पास, यहाँ पे देखने को मिलेगा AlMe3 जो है वो रिप्लेस होगा H+ से. तो इसे आप H+ से रिप्लेस कर दीजिए, दिस वन इज H. ओके, हमारे पास ये मिल गया आपके पास प्रोडक्ट. इसी टाइप से अगर आप इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका ए इंटरमीडिएट था, मैं इसे हाईलाइट करता हूं ए इंटरमीडिएट से, जस्ट वन मिनट. ओके, अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल D3O+ लेते हैं तो सेकंड नंबर कार्बन पे क्या आएगा, दिस वन इज D3 आएगा, हाईलाइट करता हूं ग्रीन से. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल I2 लेते हैं तो आपको सेकंड नंबर के ऊपर क्या आएगा, आयोडीन. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन लेते हैं तो ये ब्रोमाइड आएगा सेकंड नंबर पे. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल एसिटिक एसिड लेते हैं यानी कि प्रोटोनेशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, H देखने को मिलेगा. अगर आप NBS लेते हैं यूज में तो N ब्रोमो सक्सिनेमाइड से हमें ब्रोमीन मिलेगा, तो यहाँ पे ब्रोमाइड आके अटैच होगा. ओके, अगर हमारे पास NIS यानी N आयोडो सक्सिनेमाइड लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे आयोडीन आके जुड़ेगा. ओके, तो ये हुआ आपके पास सेकंड नंबर के कार्बन के साथ आप अलग अलग, हमने क्या किया अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल को कैचअप करवाया, ठीक. ए इंटरमीडिएट हमारे पास बन गया था, कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड है. अब ये कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर सकता है. ये मेन इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है. अब हमारे पास इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन है. देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल. ट्रिपल बॉन्ड को नाम देते हैं, ये वन नंबर, ये सेकंड नंबर. वन नंबर के ऊपर बल्काइल ग्रुप है और एरो के ऊपर जो कंडीशन है एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल एंड जिरकोनिल रिएजेंट. तो सिन एडिशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, सिन एडिशन हुआ. वन नंबर के ऊपर मिथाइल, सेकंड नंबर के ऊपर एल्यूमिनियम डाइमिथाइल जुड़ेगा. अब टू नंबर का कार्बन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेगा. ओके, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए उसके साथ इसका कैचअप रहे. तो इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या लिया है, D3O+. तो हमारे पास टू नंबर के साथ क्या अटैच रहेगा, ड्यूटेरियम एंड मैथिल जो ग्रुप है वो सिन पोजिशन के ऊपर रहेंगे. इसी टाइप से अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन लिया तो सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पोजिशन पे क्या अटैच रहेगा, आयोडाइड. ओके, तो सेकंड नंबर के ऊपर अटैच रहा आयोडाइड. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं. दिस वन इज आपके पास है स्टार्टिंग मटेरियल, ये वन नंबर का कार्बन एंड टू नंबर का कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. वन नंबर के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड टू नंबर पे ऑनली पर मिथाइल है, तो आइसोप्रोपाइल मोर बल्काइल है. तो इसलिए जब एरो ग्रुप में जो कंडीशन वो सेम है, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम CH3 एंड साथ में था CP2 जिरकोनिल क्लोराइड. ओके, तो हमारे पास वन नंबर के साथ मिथाइल आके जुड़ेगा, दिस वन मिथाइल, और टू नंबर के ऊपर AlMe2. तो जो टू नंबर का कार्बन है दिस वन टू नंबर, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो आपका एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल को कैचअप कर पाएगा. इलेक्ट्रोफाइल क्या लेगा हम, NBS से क्या मिलेगा हमारे पास, ब्रोमीन. तो यहाँ पे आपका कैचअप होगा ब्रोमाइड, लिख लेते हैं इसको, दिस वन इज ब्रोमाइड और ये आपका मिथाइल, सिन पोजिशन के ऊपर रहेंगे और ये रहेगा आपका प्रोडक्ट. ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास,
ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे लिख लेते हैं दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ट्रिपल बॉन्ड का नाम दीजिए वन नंबर, ये सेकंड नंबर। वन नंबर पे साइक्लोएक्सिल मोर बल्काइल ग्रुप है, इसलिए वन नंबर के साथ क्या आके जुड़ेगा, मिथाइल। तो पहला स्टेप जो था वो था आपका AlMe3, और इसके साथ में क्या था, जिरकोनिन रिएजेंट दे रखा होगा, तो वो था Cp2 जिरकोनिन क्लोराइड। तो पहले स्टेप में आया वन नंबर कार्बन पर मिथाइल, सेकंड नंबर पर AlMe2, और फिर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो NBS, ये पहला ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अगर NBS ले रहे हो तो यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ब्रोमीन, और सेकंड नंबर कार्बन पे आपके पास ब्रोमाइड आके अटैच रहेगा, तो ये आपका ब्रोमाइड दिस वन मिल के आ गया आपके पास प्रोडक्ट। ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड के अंदर। तो इस टाइप से हम ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम विथ जिरकोनिल रिएजेंट के थ्रू ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे। और सबसे मेन बात क्या है कि इसका जो कंसेप्ट है वो अदर रिएजेंट की तरह ही है, सिन एडिशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड ये परफॉर्म करता है। तो बहुत सी रिएक्शन या बहुत से रिएजेंट जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं वो सारे के सारे सिन एडिशन का कंसेप्ट शो करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।